सबसे पहला सवाल के शर्मा जी आप लोगों से, चूंकि यहां तक कह दिया गया कि आप लोगों ने संविधान पर बुलडोजर चला दिया है, अखिलेश जी ना आज ये बुलडोजर संविधान पे चला है, न ही ये बुलडोजर कानून पे चला है, न देश की लोकतंत्र पे चला, लेकिन ये बुलडोजर चला है निश्चित तौर से। और वो कहाँ चला है? तुष्टीकरण के पीएचडी और सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले जो आजकल विपक्ष में हैं और जनता से जिनको कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, लगातार देश विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके मंसूबों पर, उनकी मानसिकताओं पर यह बुलडोजर आज जरूर चला है। क्योंकि जिस तरह का ये षड्यंत्र रचते हैं और जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है अखिलेश जी। यदि मैं आपको उदाहरण में बताऊं, सीए के बाद से लेकर आप देखिए, एक वर्ग इसमें खड़ा हो जाएगा जो न्यायालय संभालेगा, उसमें परमानेंट नाम है चार पांच लोगों के। अच्छा, वो न्यायालय पे खड़े हो जाएंगे कोर्ट के सामने। ये अफजल गुरु से लेके आप सारे उसमें देख लीजिए केस में, ये वही लोग हैं, एक पूरा पैटर्न है। दूसरे एक निकल आएंगे जो लोकतंत्र पे हमला, कानून पे हमला, इस पे ये जो है आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, ये लोगों का बयानबाजी आने लगेगा। फिर एक अंसारी साहब बाहर निकल आएंगे, हामिद जी, वो अपना वो विदेश में भारत की छवि खराब हो रही है, लगातार ये कोई पहली बार बयान नहीं, आज भी आपके यहाँ बयान देख लीजिए। फिर कुछ कम्युनिस्ट निकल आएंगे, फिर कुछ जो है कट्टरपंथी निकल आएंगे। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है इनका बना हुआ है कि एक घटना जैसे ही घटेगी और जैसे इनके षड्यंत्र जो है पर्दाफाश होंगे, वैसे ही ये सब खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं उस पे आता हूँ आगे, चौतरफा ठीक है, एक पूरी कुछ मीडिया के शर्मा जी। हाँ, के शर्मा, ये कहना चाहता हूँ कि केवल मैं बात पूरी कर दूं, जल्दी बोलिए। हाँ। ये जो एक जो इनका जो षड्यंत्र ये रचते हैं और देश में जो जनता से अब पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं, उनका एक पूरा समूह है जो इस तरह के, मैं समझ गया आपकी बात। अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, अतीकुर रहमान साहब, कार्रवाई तो सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं के शर्मा जी, कार्रवाई तो कानूनी तौर पर हो रही है और संवैधानिक तौर पर। ठीक ठीक है, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।